नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत झा आप सभी लोगों का SD कैंपस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम साइंस की सीरीज में चल रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम क्या होते हैं। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं क्या थे। वहां पे तीन नियम थे दोस्तों हमारे पास। पहला नियम था लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे कहते हैं, जिसे जड़ता का नियम भी कहा जाता है। तो वो क्या कहता है कि अगर मैं चलता हूं तो मैं चलते रहने की चेष्टा रखूंगा जब तक मेरे पे कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। इसी तरीके से मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा रहना चाहूंगा जब तक कोई बाह्य बल मेरे ऊपर ना लगे, या फिर मैं किसी एक दिशा में चल रहा हूं तो मैं उसी दिशा में रहना चाहूंगा जब तक मेरे पे कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो जैसे ही बाह्य बल लगेगा तो मैं रेस्ट से मोशन में आ जाऊंगा, मोशन से मेरा स्पीड चेंज हो सकती है या फिर रेस्ट पे आ सकता हूं। मैं एक दिशा से दूसरी दिशा में बदल सकता हूं जब मेरे पे क्या लग जाएगा, कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। दूसरा नियम दोस्तों हमारा क्या कहता था कि जब भी मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं, कुछ बल लगाता हूं, तो उसका संवेग बदलता है और उस संवेग के बदलने की दर को ही हम क्या कह रहे थे, फोर्स कह रहे थे। तीसरा नियम हमारा क्या कह रहा था, क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। तो वो क्या कहता था कि हर क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो दोस्तों, उसमें हमने मोमेंटम की बात करी थी। तो मोमेंटम, संवेग हमारा क्या था कि जब हम किसी भी चीज के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कर दें, यानी कि मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी वो हमारी मोमेंटम बनती है, यानी कि संवेग बनती है। तो दोस्तों, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। तो संवेग संरक्षण के नियम में हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि ये दो हमारे जो दो लॉ थे, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, इन दोनों को मिला के बनता है। अब ये दोनों को मिलाता कैसे है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले समझ लेते हैं है क्या, कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो किसी गति में है और वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके टकरा जाता है। मान लो ये रेस्ट पे है और ये मोशन में है, तो ये जाता है और इससे टकरा जाता है। तो होगा क्या कि ये जो मोशन में था, ये इस पे कुछ बल लगाएगा। तो जब ये बल लगाएगा तो इस पे इसने क्या किया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाते ही इसका मोमेंटम चेंज होगा, जो हमारा क्या कह रहा था, सेकेंड लॉ कह रहा था। तो सेकेंड लॉ ने क्या बताया था कि जैसे ही फोर्स लगाओगे उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स लगाया तो ये रेस्ट से कैसे हो गया, ये कुछ देर बाद अपने मोशन में आ गया, यानी कि इसका संवेग बदल गया बल लगते ही। तीसरा नियम क्या कह रहा था, तीसरा नियम कहता था कि जैसे ही क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया समान लेकिन विपरीत दिशा में। तो जैसे ही इसने इस पे फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये भी ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, किस दिशा में, विपरीत दिशा में। तो यानी कि इसकी, मान ले अगर आपकी वेलोसिटी वी थी, तो कुछ देर बाद जैसे ही इससे टकराएगा इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी, वी टू हो जाएगी, और ये रेस्ट में था तो इसकी जीरो वेलोसिटी थी, ये कुछ वेलोसिटी में आ जाएगा, वी वेलोसिटी में आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का ही संवेग मोमेंटम बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो गई, और हुई क्यों, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे पे क्या लगाया, फोर्स। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों चीजें, दोनों हमारे जो नियम थे, दूसरा नियम और तीसरा नियम, दोनों को मिला के हमारा जो बनता है वो बनता है संवेग संरक्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे कि कहाँ कहाँ ये काम आता है, तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स हैं। रिकॉइल ऑफ गन, तो दोस्तों आपने देखा होगा जैसे ही बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक भी पीछे की तरफ आती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मानिए ये बंदूक है, इसमें से एक गोली निकल रही है, तो ये गोली जैसे ही निकलेगी तो यहां पे इसमें कुछ अंदर मैकेनिज्म होगा, उस मैकेनिज्म से इस गोली पे एक ऐसा फोर्स लगा कि वो आगे की तरफ जा रही है। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा था कि जितना इस पे फोर्स लगा है उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, जिसकी वजह से ये भी मोमेंटम में आएगा। तो जितना फोर्स इस बंदूक ने, जितना फोर्स गन ने किस पे लगाया, बुलेट पे लगाया, गोली पे लगाया, उतना ही फोर्स बुलेट भी हमारी गन पे लगाएगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि जितनी रफ्तार से गोली जाती है उतनी रफ्तार से गन तो नहीं पीछे आती। तो दोस्तों, यहां समझने की बात क्या है
कि आपका बुलेट का और गन का मास दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। गन जो होती है आपकी बुलेट से बहुत भारी होती है और हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। तो यहां पे हमें समझ में आना चाहिए मोमेंटम दोनों का अगर सेम भी हो तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। समझ में आना चाहिए। जैसे देखिए एम वी मानिए एम वन वी वन है जो एम टू वी टू के बराबर रहेगा, तो अगर मेरा यहां पे मास इसका कम है तो वेलोसिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए इसके बराबर होने के लिए, और अगर इसका मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम में भी काम चल जाएगा दोनों का मास। एक एग्जांपल से मान लेते हैं, देखिए कुछ वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। मानिए एम वन हमारा गन का मास है और वी वन हमारा गन का वेलोसिटी, एम टू हमारे बुलेट का मास है, वी टू हमारी उसकी वेलोसिटी है। तो अगर मेरा गन का मास मानिए 2 kg है तो इसकी वेलोसिटी कुछ पीछे की तरफ, जितना भी हमें उस पर फोर्स लगेगा कुछ वेलोसिटी के साथ वो पीछे आएगी। एम टू मानिए 20 ग्राम की गोली है यानी कि 0.02 kg की है और वो जाती है 1000 meters per second से, बहुत तेज होती है 1000 meters per second हमने मान लिया। ये एक माना जा रहा है, ऐसा होता नहीं है, इसको कृपया वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो अब यहां पे अगर मैं निकालने जाऊं कि मेरा V1 क्या आएगा तो 0.02 × 1000/2, तो इन दो जीरो से ये पॉइंट आगे चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बचा क्या हमारे पास 20/2 जो कि 10 meters per second हमारी वेलोसिटी आ गई। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि बुलेट चाहे जितनी भी तेज से निकले डिपेंड किस चीज पे करेगा कि मास किसका है। इसीलिए हमें जितनी तेज से बुलेट जाती है उतनी तेज हमारी गन वापस नहीं आती, उससे बहुत ज्यादा कम वेलोसिटी गन की होती है। दोस्तों एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। जैसे कि मैंने आपको ये मोमेंटम का लॉ समझाने में भी बताया कि एक बॉल है, इसको समझते चलिएगा, इसकी इसका मास है एम वन और ये वी वन वेलोसिटी के साथ चल रही है। दूसरी बॉल है जिसका मास है एम टू और वो V2 वेलोसिटी के साथ चल रही है, लेकिन यहां पे है क्या कि हमारा V1 जो है वो बड़ा है V2 से, यानी कि ये जो गेंद है ये जो आपका बॉल है ये इससे ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पे ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी, जब ये जाएगी और इससे टकराएगी, तो इस पॉइंट पे इसका मोमेंटम कितना होगा एम वन वी वन और इस पॉइंट पे इसका मोमेंटम कितना होगा एम टू वी टू। यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको ध्यान से देखिएगा। तो एम वन वी वन और एम टू वी टू यानी कि जब ये कोलाइड नहीं किए हैं, जब ये टकराए नहीं है, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम मेरा क्या होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, सिंपल सादे शब्दों में। लेकिन कुछ देर बाद हुआ क्या कि ये जाके टकरा गई, ये टकरा गई आपस में, तो यहां पे M1 वाली बॉल M2 से टकरा गई और इन दोनों ने एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाया। इस वाले इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। इस वाली बॉल ने लगाया फोर्स 1/2 और इस वाले ने पीछे की तरफ लगाया फोर्स 2/1, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये बॉल जिसका मास M1 था, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी टकराने के बाद क्योंकि एक दूसरे पे फोर्स लग चुका है। इसकी वेलोसिटी मानिए V3 हो गई और दूसरी जो गेंद थी आपकी M2 उसकी वेलोसिटी V4 हो गई, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, संवेग कितना हो जाएगा M1 V3 और M2 V4 और इस पॉइंट पे इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा M1 V3 प्लस M2 V4। लेकिन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका संवेग जब तक कोई बाह्य बल उस पर एक्ट नहीं कर रहा तब तक कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो पहले कितना था हमारे पास, पहले था हमारे पास M1 V1 प्लस M2 V2, बाद में हमारे पास कितना हो गया M3 V M1 V3 प्लस M2 V4, यानी कि ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V3 प्लस M2 V4, ऐसा होगा। मानिए इन दोनों वेलोसिटीज को चेंज होने में, जो इनका कंजर्वेशन चेंज हुआ जब ये टकराए उसमें T सेकंड का टाइम लगा,
30 सेकंड का टाइम लगा, तो मैं इनको इनको अगर मैं चेंज करना चाहूं तो मैं इनको टी से डिवाइड कर सकता हूं, कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। तो मैंने इनको क्या कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया। तो अब यहां पे मेरे पास टर्म निकल के क्या आएगी, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन में टी इक्वल टू एम वन वी थ्री प्लस एम टू वी फोर अपॉन में टी, क्योंकि दोनों को सेम टाइम लगा हुआ अपना संवेग बदलने में, वेग बदलने में। यहां पर देखिए, अगर मैं इन दोनों को जो हमारे m1 वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ ले लूं, m2 वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ ले लूं, तो होगा क्या मेरे पास, m1 v1 माइनस m1 v3 अपॉन में t, m2 v4 माइनस m2 v2 अपॉन में t। तो यहां पे m1 कॉमन लिया जाए, अगर यहां पे भी m2 कॉमन लिया जाए, तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो रहा है। जो फाइनल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जो फाइनल वेलोसिटी थी, जो फाइनल वेलोसिटी थी और जो इनिशियल वेलोसिटी थी, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो अगर मैं सिंपल सा कर दूं कि एम वन ए वन माइनस का, क्योंकि मैंने माइनस यहां से कॉमन ले लिया, और एम टू ए टू, तो हमें पता है एम वन ए वन और एम टू ए टू किस चीज के हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो ये फोर्स का है, जो फोर्स लगाया वन ने टू पे माइनस में, और जो फोर्स लगाया टू ने वन पे। तो देखिए दोस्तों, यहां से आपको गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया समान हो रही है, दोनों ने एक साथ फोर्स लगाया एक जैसा बिल्कुल, लेकिन माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहा है, ये जिस डायरेक्शन में लगाता है उसके विपरीत डायरेक्शन में ये लगा रहा है। तो यहां से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से तीसरा लॉ भी समझ में आ गया, उसका प्रूफ भी हमें समझ में आ गया। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि फोर्सेस, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे नेचर में चार तरह के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली चार तरह के फोर्स एग्जिस्ट करेंगे। पहला कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दूसरा हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल। अब विद्युत चुंबकीय बल में आपके पास दो चीजें होंगी, अभी आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो तीसरा है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसे कहेंगे दुर्बल केंद्रीय बल, और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस प्रबल केंद्रीय बल। तो आइए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करते हैं। यहां पे एक फैक्ट समझना जरूरी है हमारे पास, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, मैं इसके वीडियो के अंत में बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उसका फैक्ट समझ लेते हैं। फैक्ट क्या है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये हमारे नेचर में वीकेस्ट फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे कमजोर बल है, वो कौन सा है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो सबसे स्ट्रांग कौन सा है, वो है हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, यानी कि प्रबल केंद्रीय बल जो है वो स्ट्रांगेस्ट फोर्स इन नेचर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को समझते हैं थोड़ा अच्छे से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझने के लिए हमें एक चीज समझनी जरूरी है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं जिसे। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक नियम, तो ये दिया किसने था, सबसे पहला सवाल यही आया, ये दिया किसने था, तो ये दिया था आइज़ैक न्यूटन ने। किसने दिया था, आइज़ैक न्यूटन ने दिया। तो ये कहता क्या है कि हमारे पृथ्वी पर या फिर हमारे पृथ्वी से बाहर भी कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे पर एक बल लगाती हैं। अब वो बल किस तरह का होता है, क्वेश्चन यहां फंसेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है या रिपल्सिव फोर्स होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने वाली फोर्स होती है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया, आइज़ैक न्यूटन ने दिया, और ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। दो क्वेश्चन यहीं पे समझ में आ गए आपको। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि किसी भी दो चीजों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो होगा दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल से सीधे अनुपात में, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के।
यानी कि जो जितनी ज्यादा दूर होगा उसमें उतना ही कम लगेगा। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। तो ये जी क्या है? ये जी जो है यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाते हैं और इक्वल टू लगाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, एक नियतांक लगाना पड़ता है, ताकि हमारा प्रोपोर्शनैलिटी हमारी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो जी है, इस जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक नियतांक। तो इसकी वैल्यू भी होगी कुछ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, हम बात करें कॉन्स्टेंट की, तो कॉन्स्टेंट हो तो इसकी कुछ वैल्यू भी होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? तो जी जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये आया कैसे? तो हमारे पास फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन। क्यों रखी गई? क्योंकि न्यूटन ने ही हमें बताया था कि हमारा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो न्यूटन ने बताया हमें। फॉर्मूले में चलाना, फोर्स क्या होगा? जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, जी की हमें निकालनी है, एम यानी कि केजी, मास यानी कि केजी, आर स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर। तो अगर मैं इन सब को इधर शिफ्ट कर दूं क्या हो जाएगा? न्यूटन के साथ मीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये केजी का स्क्वायर जो है वो नीचे चला जाएगा। तो मेरे पास जी की यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। जो दूसरी बात करी थी हमने, वो बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, विद्युत चुंबकीय बल। ये बल कहां लगेगा? नाम से समझ में आ रहा है, जहां पे विद्युत हो, क्या हो? विद्युत हो और चुंबक हो। तो जहां पे भी विद्युत और चुंबक एक साथ आके काम करेंगे वहां पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्थैतिक विद्युत बल, और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स जो चुंबकीय, प्योर चुंबकीय फोर्स होता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पे भी एक चार्ज होगा, जहां पे भी चार्ज होगा वहां के आसपास चार्जेस को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं दो तरह के हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा किससे आता है? प्रोटॉन से आता है। क्वेश्चन बन गया एक कि पॉजिटिव चार्ज हमारा कौन इंप्लाई करता है? प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से आता है। तो जहां पे भी कोई सा भी एक चार्ज प्रेजेंट होगा, एक बॉडी जिस पे चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। यानी कि अब समझते हैं इसको, बचपन में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि स्केल लेते थे और उसको घिसते थे, चाहे आप अपने बाल पे घिसे, पैंट पे घिसे, और उसके आसपास जितनी भी चीजें कागज पड़ा होता था वो उससे चिपकता था। आपने क्या किया? जैसे ही आपने घिसा, घिसते ही आपने क्या किया? उस पे एक चार्ज डेवलप कर दिया। उस चार्ज की वजह से हुआ क्या? जो कागज पड़े थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उसकी तरफ वो चिपकना शुरू हुए, और जैसे ही वो चार्ज खत्म हो जाता था वो क्या, आपका पेपर वापस से छूट जाता था और नीचे गिर जाता था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे ही कहते हैं। दूसरी चीज, चुंबक से तो आप सभी लोगों ने खेला होगा, चुंबक के आसपास जितनी भी लोहे की चीजें होती है वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये जो हमारे पास दोनों फोर्सेस मिलके आ जाते हैं वो हमारे पास कौन से फोर्स आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तीसरी चीज हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस अब क्या होंगे? अब यहां पे न्यूक्लियर फोर्स दोनों ही हमारे केंद्रीय बल हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर, लेकिन यहां पे एक वीक है एक स्ट्रांग है। हम इससे क्या समझना चाह रहे हैं? तो हमारे पास जो हमारे इसको समझिए, एटम का स्ट्रक्चर मैं आपको आगे केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जब हम केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू करेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि हमारा जो एटम होता है तो उसमें ऐसे शेल्स होते हैं बाहर, जिसमें आपके क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते हैं, और बीच में होता है केंद्रक जिसमें क्या होता है? आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन होता है। तो दोस्तों इस न्यूक्लियस के अंदर और इस शेल के बाहर पे जो लगने वाला आपका फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहलाते हैं। लेकिन जो इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और बाकी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं,
उनके बीच में जो आपका फोर्स लगता है वो फोर्स होता है आपका प्रबल केंद्रीय बल। तो ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन क्या बना कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा, जो हमारा प्रबल केंद्रीय बल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है, वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हो गए। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। अब बैलेंस्ड फोर्सेस संतुलित बल और अनबैलेंस्ड फोर्सेस असंतुलित बल क्या होता है। तो बैलेंस्ड फोर्सेस में हमारे पास सिंपल सी चीज है कि मानिए एक डब्बा है, यहां पे आप इस तरफ से उस पर कुछ फोर्स लगाते हैं और इस तरफ से भी कुछ फोर्स लगाते हैं। आपने इधर से मानिए 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और इधर से भी आपने कितना लगाया, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया, तो क्या ये डब्बा कहीं हिलेगा? ये कहीं नहीं जाएगा। तो आपके दोनों तरफ से जब इक्वल फोर्सेस लगने लग जाएं तो आपका जो फोर्सेस होंगे वो कैसे कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। कैसे बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे, यानी कि संतुलित बल होंगे, जहां पे आपका कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा, बैलेंस हो गया दोनों तरफ का। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि जहां पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे पेयर ऑफ फोर्सेस की, जहां पे दो तरह के बल, दो बल एक साथ काम कर रहे होंगे। अगली चीज पे आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मानिए कि इधर से तो ये 10 न्यूटन ही लग रहा है और इधर से ये बदल के हो गया हमारा 12 न्यूटन का, तो अब होगा क्या कि ये डब्बा इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, इस दिशा में। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल नहीं किया, जबकि फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग गया, 2 न्यूटन। दोनों ने इधर से 10 माइनस कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 10 माइनस कर देंगे, 2 न्यूटन का फोर्स बचेगा। ये 2 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा, इस डब्बे को इस डायरेक्शन में चलाएगा। तो इस तरह के जो हमारे बल हुए वो क्या कहलाएंगे, असंतुलित बल कहलाते हैं। तो आइए बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, घर्षण बल की। तो घर्षण बल दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है घर्षण बल होता क्या है। तो घर्षण बल होता है कि अगर मैं एक चीज पे फोर्स लगाता हूं आगे की दिशा में, तो वहां पे मैंने बताया था आपको क्या, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो यहां पे मैंने ही बल लगाया तो प्रतिक्रिया हुई कहां से, तो प्रतिक्रिया इस बॉक्स में अपने आप ही होगी। अगर मैं एक डिब्बे पे फोर्स लगाता हूं तो इसमें अपने आप ही होगी कि ये अपने आप को पीछे की तरफ धकेलेगा। तो ये जो फोर्स आया हमारा, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसको रेजिस्ट करने वाला जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, घर्षण बल, नाम से पता चला है, जहां पे भी घिस रहा हो कि आपने फोर्स लगाया वो उसको नहीं मना कर रहा है कि नहीं आगे फोर्स नहीं लगेगा, तो उसके काउंटर में जो फोर्स आया वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को दोस्तों नेसेसरी एविल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आवश्यक बुराई के नाम से भी जाना जाता है, नेसेसरी एविल। तो ऐसा क्यों कहते हैं, नेसेसरी भी है, जरूरी भी है, आवश्यक भी है, और एविल भी है, बुराई भी है, तो ऐसा दोनों चीजें एक ही चीज में कैसे हो सकती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि अगर मैं चल रहा हूं, मानिए मैं चल रहा हूं, तो मेरा पैर जो है वो जमीन पे टिका और मेरे जमीन और पैर के बीच में जब तक एक फोर्स नहीं लगेगा तो मैं कैसे वहां पे स्थिर रह पाऊंगा, मैं अपने आप ही फिसल जाऊंगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा, मेरे को कोई रोक ही नहीं रहा, तो मैं फिसल जाऊंगा। तो इसीलिए वहां पे वो क्या चीज आती है, वो नेसेसरी हो जाता है। लेकिन एविल कैसे है, मानिए एक मशीन चल रही है, मशीन आगे बढ़ना चाह रही है, वो घूमना चाह रही है, लेकिन वहां पे फ्रिक्शन काम कर रहा है, कहता पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, तो आपका एफिशिएंसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो घूमने की कोशिश कर रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स घूमने ही नहीं दे रहा, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी तरीके से आपने आपकी बाइक में आपका टायर जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स आपकी फ्यूल की एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो दोस्तों यहां पे हर चीज में मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए वहां सब जगहों पे क्या हुआ कि दो सरफेस, दो सतह आपस में कांटेक्ट में आ रही थी। तो इसीलिए अब हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कैसा कहलाता है, सरफेस फिनोमिना। कैसा फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना, यानी कि जब सरफेस कांटेक्ट में आएगी तभी ये फिनोमिना टेक ओवर करेगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली चार टाइप के हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक यानी कि स्थैतिक, दूसरा रोलिंग लोटनिक, तीसरा स्लाइडिंग जिसे सर्पी कहते हैं, और चौथा लिमिटिंग यानी कि सीमित करने वाला। इन चारों के बारे में छोटा छोटा समझते हैं क्या होता है स्टैटिक फोर्स। मानिए मेरे पास एक यहां पे अलमारी है, ये अलमारी पूरी जमीन से टच हो रखी है, तो इस पूरी फेस ने इस पे कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगा रखा है जिसकी वजह से ये टिकी हुई है,
तो जब तक ये अलमारी आपकी एक जगह टिकी हुई है, तब तक जो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक लग रहा है। अब मानिए एक एक व्यक्ति आया और इस पे फोर्स लगाना चालू किया आगे की दिशा में, तो ये आगे को बढ़ती अब बढ़ेगी, कुछ देर तो रुका रहेगा, कुछ फोर्स लगाता रहेगा और ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो जिस पॉइंट पे, समझिएगा इसको, बहुत बारीक चीज है, कि जिस पॉइंट पे जितना फोर्स ये लगाया जा रहा था, अपना फोर्स बढ़ाया जा रहा था, एक फोर्स ऐसा इसने लगाया हुआ एक पॉइंट पे आके ये अलमारी जो थी वो आगे बढ़ना चालू हो गई होगी। तो जैसे ही इस अलमारी ने आगे बढ़ना चालू किया होगा, उस पॉइंट पे जितना फ्रिक्शन होगा, यानी कि जितना इसने, इस इंसान ने इस पे फोर्स लगाया होगा, उतना ही अपोज कर रहा होगा। तो जितना फोर्स एंड पॉइंट पे, एट द वर्ज ऑफ मूविंग, जब वो चलने ही वाला था, उस पॉइंट पे जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स होता है? वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे वहां पे। अगला देखते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये फोर्स लगा रहा था और ये कुछ देर बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ, आगे चलना शुरू हो गया, तो ये जो पूरा फेस है इसका, जो नीचे का बॉटम है, ये क्या होगा, ये घिसेगा जमीन पे, ये जमीन पे घिसेगा, और घिसेगा जैसे ही मैं इस पर फोर्स हटाऊंगा वो रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, एक अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो जो वो घिसते टाइम, जब ये ऑब्जेक्ट आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसके घिसते टाइम जो इस पर फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अगला आता है रोलिंग फ्रिक्शन। मानिए आप बाइक चला रहे हैं, तो आपका टायर क्या हो रहा है? रोल हो रहा है, घूम रहा है। तो घूमते समय जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों यहां पे एक बड़ा रोचक बात आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है, कि मानिए आपकी बाइक आगे की तरफ चल रही है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? तो हमें सभी को समझ में आता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन काम करता है। लेकिन यहां पे आपकी बाइक पे फ्रिक्शन भी आगे की दिशा में ही काम कर रहा होगा। अब इसको समझना जरूरी है, वो कैसे? मानिए आपका टायर, जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जब इसको, आपको बाइक को आगे की तरफ लेके जाना है, तो ये इस दिशा में घूम रहा होगा। सही कह रहा हूं मैं? इस दिशा में, यानी कि जहां पे ये टच हो रहा है, जमीन से टच हो रहा है, उसमें इस दिशा में लग रहा है फोर्स। आपकी बाइक तो आगे जा रही है, लेकिन टायर किस दिशा में फोर्स लगा रहा है? इस दिशा, पीछे की दिशा में, जिसकी वजह से आप आगे जा रहे हो। तो इस जगह पे फोर्स कैसे लगा? फ्रिक्शन का आगे की तरफ, फ्रिक्शन आगे की दिशा में काम कर रहा है। तो यहां पे सवाल जरूर पूछा जाता है कि अगर आपकी बाइक आगे चल रही है तो फ्रिक्शन किस दिशा में काम करेगा? तो बाइक के जहां पे भी रोलिंग की बात होगी, वहां पे फ्रिक्शन भी आगे की दिशा में ही काम कर रहा होगा, क्योंकि वो रोल कर रहा है। रोल करते टाइम देखिए आप, पीछे की तरफ फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट, आगे की तरफ ही काम करेगा। तो ये था हमारे पास फोर्सेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा आज हमने। देखते हैं आज इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, हमारे वातावरण में सबसे न्यूनतम, सबसे कमजोर कौन सा फोर्स होता है? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वहां पे फैक्ट आया था, फैक्ट बताया था जो मैंने बोला था क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। तो हमने चार फोर्सेस पढ़े, समझते हैं शुरू से, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे कमजोर फोर्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी इसी तरह से पूछे गए, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहचानना बड़ा ही आसान है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे पूछा गया। अगला प्रश्न था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो मैंने आपको बताया था फोर्स की यूनिट क्या होती है। अगर मैं नॉर्मल कन्वेंशन निकाल लेता हूं, तो फोर्स मेरा क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होता है? केजी में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। तो ये होनी चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में ही आपको कहीं नहीं दिख रहा। तो आपका यूनिट क्या होगा? मैंने आपको बताया था फोर्स का, न्यूटन, जो हमारे न्यूटन थे, न्यूटन को सम्मानित करते हुए फोर्स की यूनिट क्या दी गई थी? न्यूटन दी गई थी। यानी कि इस पूरे के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन लिख सकता हूं। तो मीटर पर सेकेंड किसकी होती है? ये स्पीड की होती है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम संवेग की होती है। पास्कल, पास्कल किसकी होती है? प्रेशर की होती है।
तो यहां पे बचा क्या, न्यूटन, जो मैंने आपको बताया अभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, न्यूटन। एक और प्रश्न देखते हैं, हु गेव यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपके गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक सिद्धांत किसने दिया था। तो वहां पे शुरुआत में पढ़ा था हमने, किसने दिया, न्यूटन ने दिया। गैलीलियो ने क्या दिया था, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था गैलीलियो ने क्या दिया था, इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी। आप ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, कंफ्यूज मत होना यहां पे, इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है, लॉ ऑफ मोशन अलग है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग चीज है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन में कंफ्यूज नहीं होना। इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दी, गैलीलियो ने दी। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया, न्यूटन ने दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया, न्यूटन ने दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, न्यूटन ने दिया। अगला प्रश्न, हु गेव लॉ ऑफ मोशन, तो लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है यहां पे, यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात नहीं हो रही। तो मैंने अभी क्या बताया, किसने दिया लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन दिया हमारे न्यूटन ने दिया, गैलीलियो ने नहीं दिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।